हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28 तक किया था या 27 तक किया था, 29 तक किया था। मटेरियल कॉस्टिंग में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, खास करके सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स के लिए। आज हम उस सिस्टम को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। आपने डिटेल वाले सारे क्वेश्चंस कर लिए, डिस्क्रिप्टिव टाइप, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने अब तक करवाए। आज है क्वेश्चन नंबर 30 की बारी, डेंजर लेवल। याद करें, मैंने डेंजर लेवल के बारे में आपको बताया था, एवरेज कंजम्पशन या नॉर्मल कंजम्पशन इनटू डेंजर लीड टाइम, जिसको हम अर्जेंसी या इमरजेंसी भी बोलते हैं। तो अब देखते हैं क्या मतलब है, कौन सा फॉर्मूला सही है। डेंजर लेवल इज इक्वल टू व्हाट? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू लीड टाइम ना, एवरेज कंजम्पशन हाँ, इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी हाँ, यही तो है, वो यही है आपका आंसर, मिल गया। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, क्वेश्चन मार्क आगे लिखा है, डैश 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 आगे लिखा है, द means purchase means the purchase of goods or material such that delivery immediately proceeds their use. एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम प्रोसेस में होता क्या, ये बेसिकली जैपनीज टेक्निक थी, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वहाँ इजाद की गई थी, क्योंकि वहाँ जाहिर सी बात है वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ होगा, महंगाई बढ़ गई होगी, प्रोडक्शन ख़त्म हो गया होगा, बिजनेस ख़त्म हो गया होगा, परचेजर्स की वैल्यू, जो परचेजिंग पावर होगी वो ना के बराबर होगी और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म। तो उन लोगों ने ये सिस्टम डेवलप किया। डेवलप कैसे किया कि भाई सामान लाओ, उसको स्टोर करो, जो हम लोग आज ईओक्यू बोलते हैं, सामान लाओ उसको स्टोर करो, एटलीस्ट कॉस्ट तो कुछ आ रही है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, कुछ कैरिंग कॉस्ट आ रही है ना, सामान को क्यों ना और सस्ता किया जाए बाय एलिमिनेटिंग दीज टाइप ऑफ द एक्स्ट्रा कॉस्ट। मींस हम सामान क्यों ना इतनी क्वांटिटी में ऐसे खरीदें कि सामान सप्लायर के यहाँ से चले और मेरे यहाँ जब तक का सामान अवेलेबल हो हम उसको कंज्यूम करें, जैसे ही सामान यहाँ से ख़त्म हुआ वैसे ही दूसरा सामान आ गया। इसको कहते हैं जस्ट इन टाइम, कोई समय पर आ जाता है, व्हाट जस्ट अ टाइम। तो हम लोग बोलते हैं कितने आप समय के पक्के हैं, उसी तरह से समय का पक्का मटेरियल आपके पास पहुंचता है एग्जैक्टली उसी समय जब आपको उसकी जरूरत होती है, प्रोडक्शन के समय। अब मैं बोलूं, अब मैं इसको फुलफिल करता हूं, जस्ट इन टाइम परचेज मींस द परचेज ऑफ गुड्स और मटेरियल सच दैट डिलीवरी इमीडिएटली प्रीसीड्स देयर यूज, जस्ट इन टाइम। चले आगे, तो आपका आंसर डी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 32, मैक्सिमम यूजेस। अब हमें एक क्वेश्चन बोला है कि मैक्सिमम यूजेस माइनस एवरेज यूजेस इनटू लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल हो नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम यूजेज माइनस एवरेज यूजेज, ओके यूजेज दिया है दोनों, मैक्सिमम यूजेज माइनस एवरेज यूजेज, यानी कि एक तरह से मिनिमम की तरफ बढ़ रहा है, किसकी ओर बढ़ रहा है, मिनिमम की ओर बढ़ रहा है, लेकिन लीड टाइम ले रहा है, मिनिमम नहीं ले रहा। और कहीं पर भी हम लोगों ने कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं देखा जहां मिनिमम इंटू मिनिमम हो, आया ना, मिनिमम की ओर बढ़ रहा है। मिनिमम कंजम्पशन क्या होता है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम।
या नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। यहां क्या है, एवरेज कंजम्पशन माइनस मैक्सिमम कंजम्पशन, यानी मैक्सिमम माइनस एवरेज, मैक्सिमम में से एवरेज कम कर दिया, यानी मिनिमम की ओर आ रहा है, बट इट इज नॉट अ मिनिमम बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग टू कंसिडर लीड टाइम, और इन दोनों को लेस करने से मिनिमम कंजम्पशन नहीं आता। तो ये हमारा रीऑर्डर लेवल नहीं हो सकता क्योंकि वो मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम की बात करता है, ईओक्यू नहीं हो सकता। डेंजर लेवल वो तो एवरेज कंजम्पशन पर निकलता है, नहीं हो सकता। ये सेफ्टी स्टॉक है, क्या है, मैक्सिमम में से एवरेज लेस कर दो, जो मिनिमम आया क्वांटिटी वो हमको सेफली अपने पास रखना है, जिसको हम कहते हैं सेफ्टी स्टॉक। आपका आंसर होगा इसमें सी। चले आगे, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मैटीरियल कंट्रोल टेक्निक, कौन सी इसमें मैटीरियल कंट्रोल टेक्निक नहीं है 33 में। ए बी सी एनालिसिस पढ़ा है, मैटीरियल कंट्रोल टेक्निक है, ए बी सी पढ़ा है, पढ़ा है। फिक्सेशन ऑफ रॉ मटेरियल लेवल, हाँ, एवरेज मैक्सिमम मिनिमम रीऑर्डर लेवल, मेंटेनिंग स्टोर लेजर, हाँ, ये मैटीरियल कंट्रोल टेक्निक नहीं है। इसमें हम लोग केवल सामान का आना, सामान का जाना और उसकी प्राइसिंग कोट करते हैं, दैट्स इट। दिस इज नॉट द मैटेरियल कंट्रोल टेक्निक, एंड द लास्ट वन इज कंट्रोल ओवर स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग। तो मैटेरियल कंट्रोल है ना, स्लो मूविंग एंड फास्ट मूविंग, ये तो खुद कह रहे हैं हम कंट्रोल है। तो ए बी डी आंसर नहीं है, आंसर इज सी। चलें क्वेश्चन नंबर 34 देखें। स्टोर लेजर क्या होता है, मैंने अभी भी बताया, स्टोर लेजर में क्वांटिटी वैल्यू दोनों स्टोर की जाती है, मीन्स रिकॉर्ड की जाती हैं, क्वांटिटेटिव एज वेल एज वैल्यू वाइज रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल रिसीव्ड इश्यू एंड बैलेंस। हाँ, आ गया आंसर, पहला ये सही आ गया, तुरंत सही आ गया, अभी मैंने एग्जांपल दी और तुरंत आ भी गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ए। बाकी पढ़ना बेकार है, वो लोग आप लोग पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा कि ऐसा मैंने क्यों बोला। अभी अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि स्टोर लेजर में हम लोग आना सामान का, जाना यानी कि परचेज या रिसीट एंड इश्यू एज वेल एज वैल्यू वी रिकॉर्ड ऑल दीज थिंग्स इन आर स्टोर लेजर। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड। इन्वेंट्री वैल्यूएशन फीफो, लीफो, एवरेज, वेटेड एवरेज, बेस स्टॉक, देखा है ना। तो पहला ऑप्शन दिया फीफो है, लीफो है, वेटेड एवरेज। ई ओ क्यू इज नॉट अ इन्वेंट्री वैल्यूएशन मैथड, ई ओ क्यू इज नॉट अ इन्वेंट्री वैल्यूएशन मैथड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। कहता है एवरेज कंजम्पशन 20,000 पर एनम है, 20,000 यूनिट्स पर एनम है, परचेज प्राइस ₹2 पर यूनिट है, कैरिंग कॉस्ट 16% है एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 है। तो भाई जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हमें बताना है इसमें कितना यूनिट्स हमको एक बार में खरीदना है। तो सॉल्यूशन देंगे ई ओ क्यू 2 इंटू ए सी इंटू ओ सी अपॉन, जो आंसर आ जाएगा वो आप देख लेंगे। कहने का मतलब ये, देखें अगर हम लोगों ने अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करके रखा है, देन आई डोंट थिंक सो दैट देयर वुड बी एनी प्रॉब्लम। ऑलवेज आई एम रिपीटिंग दैट पर्टिकुलर लाइन, इफ यू हैव डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर स्टडी इन डिटेल, आई डोंट थिंक सो, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन विल क्रिएट एवन अ सिंगल प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ। देखें कितना आंसर आया, आंसर आएगा 2 इंटू 20,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 32 पैसा इक्वल टू 2,500 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, चले ना, एनुअल कंजम्पशन 4,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेज प्राइस, कैरिंग कॉस्ट,
EOQ पूछ रहा है भाई, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय, अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, क्यों? हम्म, 500 यूनिट्स, और नो डाउट यही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कोई और क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले। हटा दें, इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर, हम लोगों ने तो बहुत टफ टफ क्वेश्चन किए, अब तो ये क्वेश्चन आपके लिए माए हाथ का खेल होना चाहिए। रीऑर्डर क्वांटिटी मैक्सिमम कंजम्पशन नॉर्मल कंजम्पशन रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर लेवल होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू, यस सर दिस इज आर आंसर, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, दिस इज आर आंसर, आंसर इज सी। सी को जरा सी, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। अ मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स 9,000 यूनिट्स ऑफ अ सर्टेन कॉम्पोनेंट एनुअली, करेंटली परचेज फ्रॉम अ रेगुलर सप्लायर एट ₹50, परचेज प्राइस 50, ऑर्डरिंग कॉस्ट 60 एंड कैरिंग कॉस्ट ₹5 पर यूनिट पर एनम। अब मैं इसमें क्या आप लोगों को बताऊं सर, छोड़ दीजिए, अब हम लोग कर लेंगे नाम उन्ना ना, जो मेरा काम है वो तो मैं करूँगा और जो आपका काम है वो आप करते हैं, यानी ना पढ़ना। चलें आगे। अब क्वेश्चन में पूछा है एनुअल कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी 9600 डिवाइडेड बाई 480, यानी देयर वुड बी 20 ऑर्डर्स, ₹1200, हाफ ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड, योर आंसर इज, यही पूछा है क्वेश्चन में, ऑप्शन इज ए। कुछ नई चीज पूछ लिया था, हाँ नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 40, अ फर्म रिक्वायर्स 16,000 यूनिट्स ऑफ अ सर्टेन कॉम्पोनेंट, परचेज प्राइस इज 60 एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 120, वाइल कैरिंग कॉस्ट स्टोरेज कॉस्ट 10%, तो ईओक्यू सर सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं क्या? ऑप्शन इज सी, क्वेश्चन नंबर 69, सॉरी क्वेश्चन नंबर 41। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 41? एनुअल कंजम्पशन, परचेज प्राइस, नई चीज सीखेंगे इसमें, ये बोर नहीं लगना चाहिए।
लिखा है इंटरवल बिटवीन टू ऑर्डर्स, दो ऑर्डर्स के बीच में कितने दिनों या महीनों का गैप होगा। तो पहले तो हम निकाल लेंगे कितने यूनिट्स का ऑर्डर देंगे, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय 2 का 16%। टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूनिट्स का ऑर्डर देंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे सर जी? अगर साल भर में हमको 20,000 यूनिट्स चाहिए, एक ऑर्डर हमारा लगता है 2,500 यूनिट्स का, देन देर इज अ नीड टू प्लेस 8 ऑर्डर्स इन अ ईयर, इन अ ईयर। तो टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स, तो 12 महीनों में 8 ऑर्डर हैं, तो एक ऑर्डर आपका 1.5 महीने में यानी 1.5 मंथ में यानी 45 डेज में लगना चाहिए, प्लेस करना पड़ेगा जी। नोट करें, नंबर ऑफ ऑर्डर भी हो गए 8 ऑर्डर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, जी लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच हैज अ मंथली डिमांड। तो प्रोडक्ट की डिमांड है, रॉ मटेरियल की डिमांड नहीं है। अच्छा, पर मंथ द प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ कॉम्पोनेंट विच इज परचेस, परचेस प्राइस ऑफ कॉम्पोनेंट यानी जो रॉ मटेरियल है उसको हम खरीदते हैं 20 रुपए में। कहता है एक यूनिट के लिए एक कंपोनेंट चाहिए होता है, यानी 1:1 का रिलेशनशिप है, यानी 4,000 पर मंथ यानी 48,000 पर एनम एनुअल कंजम्पशन हो जाएगा, क्योंकि एक यूनिट का इनपुट होता है तो एक यूनिट का आउटपुट होगा जी। आगे द ऑर्डरिंग कॉस्ट 120, कैरिंग कॉस्ट 10%, तो EOQ इज इक्वल टू 2 into AC into OC upon 20 का 10% जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। कर दूँ? कर दीजिए सर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 43 देखा जाए, खत्म होने वाला है, इसके बाद एग्जाम के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। रॉ मटेरियल 60 रुपये पर केजी है, हैंडलिंग कॉस्ट 360 है, फ्रेट 390 है। अगर याद हो तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिटेल में कर रखा है अपने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में जी सर, डिटेल में हुआ था। कैरिंग कॉस्ट है 50 पैसा पर केजी पर मंथ यानी कि 6 रुपये पर एनम, प्लस इंटरेस्ट है 9 रुपीज पर एनम पर यूनिट पर एनम ना जी, तो कैरिंग कॉस्ट टोटल हो जाएगा 15 रुपीज पर यूनिट पर एनम। ये क्वेश्चन हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, एनुअल कंजम्पशन दिया है, एनुअल प्रोडक्शन दिया है, और एक यूनिट के लिए ढाई, 1 किलो में
ढाई यूनिट्स का आउटपुट आता है, तो ईओक्यू बताओ। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही डील कर रखा है, दोबारा आज रिवीजन हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया 750, कैरिंग कॉस्ट आ गया 15 रुपीज़ पर यूनिट पर एनम, एनुअल प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट है, ये आउटपुट है। जबकि हमको रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल एनुअल कंजम्पशन हो जाएगा 1 लाख यूनिट्स चाहिए, और ढाई यूनिट्स मिलती हैं हमको 1 किलो में, यानी 40,000 किलोग्राम मटेरियल की ज़रूरत है। हर एक किलो से ढाई यूनिट निकलेगी, यानी कि साल भर में 1 लाख यूनिट का आउटपुट आएगा। एसी ओसी अपॉन सीसी, दिस इज योर आंसर। चलो भाई, एक नया क्वेश्चन, ये हम लोगों ने कर रखा है पहले भी, इसको मुझे हटा देना ही बेटर है। क्वेश्चन नंबर 44 देखें और कुछ नई चीज सीखेंगे। पूछा है मिनिमम स्टॉक लेवल, ओके, एंड एवरेज स्टॉक लेवल। फोर थाउजेंड यूनिट्स एंड 9,000 यूनिट, रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा? तो जब हमसे रीऑर्डर क्वांटिटी पूछता है, तो एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू, नया फॉर्मूला, मिनिमम स्टॉक चाहिए प्लस हाफ ऑफ द रीऑर्डर क्वांटिटी। ये आप नोट कर लें, मिनिमम स्टॉक लेवल है, यही तो पता करना है, और एवरेज दिया है 9,000, निकल जाएगा। बोलो भाई, 4,000 को इधर ले आओ, दिस इज योर आंसर, ऑप्शन इज ए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लास्ट ईयर के देख लिए जाएं, जो आज तक पूछे गए हैं उनके बारे में 2-4-5 क्वेश्चन देख लिए जाएं, ताकि हम इस चीज़ से कॉन्फिडेंट हो सकें कि जो चीज़ें हमने की हैं दैट आर दोज थिंग्स आर क्वाइट अनफ। नोट हो गए, दिसंबर 2014 में पूछा है क्वेश्चन नंबर आपका 45। विच टाइप ऑफ मटेरियल इज क्लासिफाइड एज ए इन एबीसी एनालिसिस? एबीसी एनालिसिस में ए क्या रिप्रेजेंट करता है? मिनिमम क्वांटिटी, हायर प्राइस, ये आपका आंसर नंबर बी। कहानी अगर क्लियर है तो आंसर सामने है। ए का मतलब लोअर क्वांटिटी एंड हायर प्राइस, वैल्यू में सबसे ज्यादा जी। क्वेश्चन नंबर 46 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज टू कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल? रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। हाँ, ऐसे ही पता चल जा रहा है, फोर्थ है, मैक मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम से कभी रीऑर्डर लेवल नहीं आता, रीऑर्डर लेवल हमेशा हाईएस्ट पॉइंट से आता है। आंसर इज डी, जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 47, अब आप कहेंगे सर आपने 46 को थोड़ा लाइटली ले लिया, उसका आपने ऑप्शन ए थोड़ा स्किप कर दिया। चले उसके बारे में बता देता हूँ। ऑप्शन ए जो था रीऑर्डर लेवल के लिए, वो ये था कुछ, आप कंफ्यूज ना रहें। मैंने अभी बोला मिनिमम नहीं रहता,
एक बात बताओ, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? कि ज्यादा से ज्यादा इतना सामान चाहिए, किस दौरान? लीड टाइम में, कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम। दिमाग में एक चीज सेट कर लो, कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम। तो कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम तो आ गया, यानी सामान के ऑर्डर जाने में और सामान के आने में हमें इतना सामान चाहिए मैक्सिमम लेवल पे। नॉर्मल इतना चाहिए, मिनिमम और जोड़ दो तो मैक्सिमम पर पहुंच गए। नॉर्मल में मिनिमम जोड़ दो, एवरेज क्या होता है? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय टू। हाँ या ना? यानी मैक्सिमम और मिनिमम का हिस्सा, एवरेज में से मैक्सिमम हटा दो मिनिमम पहुंच जाओगे, और एवरेज में से मिनिमम हटा दो तो मैक्सिमम लगभग लगभग पहुंच जाओगे, बट इट इज़ नॉट अ क्वाइट गुड आंसर। लेकिन हम एक तो कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं ना, कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम। कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम का मतलब नॉर्मल सामान तो आ गया मेरे पास, आएगा ही आएगा ड्यूरिंग लीड टाइम में, प्लस मिनिमम और जोड़ दो। तो नॉर्मल सामान तो मेरे पास आ गया, प्लस मिनिमम और जोड़ दो, मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गए। और रीऑर्डर लेवल हमेशा मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी मैक्सिमम ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड बाय बिन कार्ड। बिन कार्ड में हमने आपको कहानी बताई है, केवल और केवल क्वांटिटी रिकॉर्ड की जाती है, केवल और केवल क्वांटिटी रिकॉर्ड की जाती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48, द मेथड ऑफ रेगुलर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द ईयर इज नोन एज। साल भर आपने स्टोर लेजर मेंटेन किया है, बुक मेंटेन किया, जैसे सामान आया लिख लिया, जैसे ही सामान गया लिख लिया, जैसे ही ओपनिंग क्लोजिंग आया लिखते चले गए, लिखते चले गए। कहाँ करते थे? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। यानी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में हम लोग क्या करते थे? कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग। क्या करते थे? कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग। दिस इज योर आंसर नंबर सी। इसको हम लोग कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग का नाम देते हैं, इसको हम परपेचुअल स्टॉक टेकिंग का भी नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखें, इन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन विच सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूड हायर प्रॉफिट। फीफो, लीफो, हीफो। अगर इन्फ्लेशन का समय चल रहा है, आपको हायर प्रॉफिट दिखाना है स्टॉक वैल्यूएशन से, यानी आपका प्रॉफिट ये जो जीपी है उसको बढ़ाना है, तो जीपी बढ़ाने के लिए क्लोजिंग स्टॉक आपको यहां पर बढ़ाना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक इन्फ्लेशन का मतलब होता है पिछला सामान सस्ता था, इस बार वाला सामान और महंगा, इस बार वाला सामान और महंगा, इस बार वाला सामान महंगा और इस बार वाला और सामान महंगा। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक सबसे ज्यादा वैल्यू पर दिखाएंगे तो आपका जीपी बढ़ जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा वैल्यू पर दिखाएंगे तो ये क्वांटिटी जो आई होगी सबसे ज्यादा वैल्यू पर आई होगी। तो लास्ट वाला रोक लो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर दो। आंसर इज फीफो। क्वेश्चन नंबर 50, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक मैक्सिमम एंड मिनिमम लेवल ऑफ ईच स्टॉक इज लेट डाउन। मैक्स मिन लेवल, मैक्स मिन लेवल पर आप टिक कर लेंगे, मिन मैक्स या मैक्स मिन लेवल। क्वेश्चन नंबर 51, अ स्टोर लेजर इज अ रिकॉर्ड ऑफ रिसीट इशू एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल बाय एंटरिंग स्टोर लेजर क्वांटिटी एंड वैल्यू। क्वांटिटी एंड वैल्यू, बिन कार्ड में केवल क्वांटिटी, स्टोर लेजर में क्वांटिटी एंड वैल्यू, मैंने 10 बार अब तक बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 52, ये सब आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चन किए 2014 के किए, अब हम लोग 2015 की कैटेगरी में एंटर कर चुके हैं। सोचें यही क्वेश्चन एग्जाम में, ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन देखो, आंसर पर टिक लगाओ, क्वेश्चन देखो आंसर, बशर्ते वापस जाओ उस चीज पर, बेस अपना स्ट्रॉन्ग करो। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 52, बिल ऑफ मटेरियल एक्ट एज एन ऑथराइजेशन टू द स्टोर डिपार्टमेंट इन प्रोक्योरिंग द मटेरियल एंड ऑल मटेरियल लिस्टेड ऑन द बिल आर सेंड टू द। हाँ, बिल ऑफ मटेरियल, वापस जाओ थ्योरी पढ़ो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बिल ऑफ मटेरियल यूज करता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आंसर भी दे दिया, मैंने देखा भी नहीं दिमाग से अपने आप। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बिल ऑफ मटेरियल हेल्प करता है, थ्योरी वापस जाएं, कहानी फिर से देखें। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट कॉस्टलीस्ट मटेरियल आर इश्यूड फर्स्ट। सबसे महंगा सामान पहले जाएगा किस इन्वेंट्री वैल्यूएशन में? हाइएस्ट इन फर्स्ट आउट, हाइएस्ट इन फर्स्ट आउट। हाइएस्ट वैल्यू का सामान पहले रिलीज कर दो, सस्ता वाला रोक लो, हाइएस्ट वाला पहले रिलीज करो, हाइएस्ट इन फर्स्ट आउट। जी, हीफो मेथड। कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग हाईएस्ट कॉस्ट का सामान पहले रिलीज कर देते हैं? तो हीफो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट।
फीफो क्वेश्चन नंबर 55, फीफो मेथड ऑफ वैल्यूइंग मटेरियल इश्यूड इन सिटेबल इन टाइम्स ऑफ फॉलिंग प्राइसेस। ठीक है छोड़ दें, यहाँ पर ये नहीं लिखा है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, तो हम मान लेते हैं प्रॉफिट को कम करने के लिए। तो अगर हम देखा जाए तो प्रॉफिट को किस सिचुएशन में दिया नहीं है, फीफो मेथड ऑफ वैल्यूइंग मटेरियल इश्यूज इज सुटेबल इन टाइम्स ऑफ, अच्छा ये दिया हुआ है फीफो मेथड, सॉरी फीफो मेथड किस समय उचित होता है, प्राइस घटते समय, हाँ नीचे वाला सबसे कम दाम पर आएगा और उसी को रोकना है। फीफो मेथड में पहला आया पहले गया, बाद वाला बच गया, वही हमको स्टॉक पे दिखाना पड़ेगा बाद वाला। तो अगर फॉलिंग प्राइसेस हैं और कम दाम का सामान हम अपने क्लोजिंग स्टॉक में दिखा दें तो मेरा प्रॉफिट क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। जी सर, तो आपका तो ये चैप्टर बेटा पूरी तरह से 55 क्वेश्चन भी सॉल्व, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, डू नॉट वरी अबाउट दैट। अगर आपने अपना बैक सही किया है एग्जाम में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नोट करना हो नोट करें, अदरवाइज टाटा बाय बाय, थैंक यू।